हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत शिमला भाजपा मंडल द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा के शहरी अध्यक्ष श्याम शर्मा द्वारा की गई। यात्रा में मुख्य रूप से प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा, मंडल अध्यक्ष सुनील धर, प्रत्याशी संजय सूद, सह मीडिया प्रभारी सुदीप महाजन, रमा ठाकुर, जिला अध्यक्ष प्रेम ठाकुर, सुरेश भारद्वाज, गणेश दत्त उपस्थित रहे। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने बताया कि युवा मोर्चा हर घर तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता देश के तिरंगे को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ पर जो है युवा मोर्चा अग्रिम भूमिका में रहेगा और श्याम शर्मा जी मंडल अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंडल अध्यक्ष सुनील धर जी और हमारे साथ महामंत्री श्रवण शर्मा जी भी है, साथ में कसुमटी से सुरेश भारद्वाज जी, गणेश दत्त जी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और संजय सूद जी भी उपस्थित है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में आह्वान किया कि किस प्रकार से हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में चले, उसको लेकर इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा को युवा मोर्चा जो है वो लगातार जो है 13 तारीख तक निकालेगा, जो कि आज है, और इसके उपरांत 14 तारीख को आपके विभाजन विभीषिका के कार्यक्रम जो है वो पूरे जिला अनुसार जो है उसको आयोजित किया जाएगा। ये रैली जो है ये यहाँ से लेकर आपके शेरे पंजाब और आपके रिज तक चलेगी और इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी अग्रिम भूमिका में रहेगा। कुल मिला के इस यात्रा को आज पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है, जिसमें जयराम ठाकुर जी ने जो है वो मंडी जिला में और ऊना जिला में इसमें जो है भाग लिया है और उसके उपरांत ये जितनी भी यात्राएं हैं ये लगातार आज की डेट में चलेगी। इससे पूरा भी ये कार्यक्रम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हम निवेदन करेंगे कि प्रदेश सरकार जो है वो भी इसमें सहयोग करे, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस जो है वो पूरे देश का होता है। कृपया हमारा निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार से आपने योग दिवस को खराब करने का प्रयास किया और उदासीन माहौल रवैया अपनाने का प्रयास किया, वैसे इस यात्रा में ना करें, यही हमारा कहना रहेगा। देखिए 15 तारीख को हम 4 लाख घरों पे जो है ध्वजारोहण करेंगे और ध्वजारोहण के उपरांत हम लगातार जो है देशभक्ति की भावना घर घर जाके उजागर करने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।